तो यो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं जत आपका स्वागत करता हूँ अपना आर्ट पॉइंट पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं योगा डे पे ड्राइंग। तो इस ड्राइंग का शॉर्ट मैंने योगा डे पे ही अपलोड कर दिया था, तो आज मैं इसकी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो लेट्स ड्रॉ इट। Thank you.
गाइस अब जो हमारी ड्राइंग थी वो कंप्लीट हो गई है, तो अब बारी आ गई है कलरिंग की। तो इस ड्राइंग में हम अलग अलग तरह के कलर यूज़ करेंगे, जैसे वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, कलर पेंसिल, स्केच पेंस। तो हम सारे कलर्स यूज़ करेंगे और इससे एक नई अट्रैक्टिव ड्राइंग बनाएंगे। तो गाइस इस ड्राइंग की कलरिंग हम स्टार्ट करेंगे सर्कल्स से। तो इन सर्कल्स में वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में हम इस वाटर कलर को ऊपर स्प्रेड करेंगे और नीचे लाके लाइट करेंगे, जिससे बहुत अच्छा इफेक्ट लगेगा। ऐसे ही 6 सर्कल्स के अंदर हमें अलग अलग कलर करना है, और जब तक वो ड्राई नहीं हो जाते जब तक हमें उनका वेट करना है। तो गाइज आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो, इसका मतलब है आप एक सच्चे आर्ट लवर हो। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस ड्राई होने के बाद हम पेंसिल से अलग अलग योगा आसन की उस पे ड्राइंग बनाएंगे, और उसके बाद परमानेंट मार्कर से उसको फिल करेंगे। तो गाइस योगा आसन हमारे रेडी हो गए हैं। तो इसके बाद हम पीछे के बैकग्राउंड में कलर पेंसिल से हल्की हल्की एजेस पे शेड देंगे। तो जैसे ब्लू सर्किल है तो हम डार्क ब्लू से शेड देंगे। तो ऐसे ही हमें 6 के 6 सर्किल्स पे शेड देनी है।
गाइस अब जो हमारे सर्किल थे वो कंप्लीट हो गए हैं, तो अब बारी आ गई है बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड में मैंने यूज करा है ब्लैक एक्रेलिक कलर, तो स्टार्टिंग में हम इसको ब्लैक कर देंगे और उसके बाद हम व्हाइट कलर यूज करेंगे और छोटे छोटे स्टार्स बनाएंगे जिससे बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड लगेगा। तो गाइज अब जो हमारा बैकग्राउंड है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब बारी आ गई है तिरंगा बनाने की, तो लेट्स डू इट। तो गाइज तिरंगा बनाने के बाद अब बारी आ गई है बड़े ह्यूमन फिगर की, तो इसके अंदर हम स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट पिंक लेके फेस की स्किन टोन और हाथ और पैर बनाएंगे, उसके बाद हम उसकी टी शर्ट बनाएंगे और उसके बाद उसकी पैंट, और फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक मैंने सारे की सारे बैकग्राउंड में और तिरंगे में और जो हमारा ह्यूमन फिगर है उसके अंदर एक्रेलिक कलर ही यूज़ करा है। तो गाइस अब जो हमारा ह्यूमन फिगर था वो कंप्लीट हो गया है, तो मैंने उसके बाद उसकी ब्लैक एक्रेलिक कलर से आउटलाइनिंग भी कर दी है। तो गाइस ये इंटरनेशनल योगा डे है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना नीचे की साइड हमारी अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग बनाए जाए, तो लेट्स मेक इट। तो गाइस जो अलग अलग कंट्री के फ्लैग्स थे वो भी बना दिए हैं, तो अब बारी आ गई है बैकग्राउंड की। तो इस बैकग्राउंड के अंदर हम यूज़ करेंगे ऑरेंज और येलो कलर। गाइस अब जो हमारा बैकग्राउंड था वो भी कंप्लीट हो गया है, तो अब बारी आ गई है दोनों साइड इंटरनेशनल योगा डे लिखने की, तो लेट्स राइट इट। तो गाइस मैंने इस वीडियो में एक क्लोजअप भी दिया है जिसके अंदर जो मैंने अपनी ड्राइंग में लिखा है वो आप क्लियरली देख सको।
तो गाइस आज की जो हमारी ड्राइंग थी वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।